नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ग्राम सोनोरी में पीड़ित के साथ हुई मारपीट। दिनांक 1 सितंबर को एसपी कार्यालय में आकर अन्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि दबंगई पूर्वक इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि पानी निकासी के लिए पहले नाली बनवा दो, फिर सड़क बनवाओ। तो वहीं ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के द्वारा गाली गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि हमारी माँ और हमारे पिताजी के साथ और हमारे साथ हमारे परिवार की ही चाची और कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। मध्य प्रदेश के रीवा से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनम तिवारी है, गांव सुनौरी, पोस्ट रुपौली। अभी आपकी मम्मी के साथ में कुछ लोग ने गाली मतलब दिए था, वीडियो वगैरह भी वो वायरल हुआ था जी, वो पूरा घटनाक्रम क्या है बताइए उसके द्वारा। हमारे ग्राम सुनौरी में जो है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब सड़क बन रही है, जहाँ पे हमारा घर पड़ रहा है और हमारे घर के सामने से रोड गई है। वहाँ हमारी घर के पीछे साइड एक गौशाला थी, जहाँ गौशाला जबरदस्ती मणिराज तिवारी, दिलराज तिवारी, सुदर्शन तिवारी, इन्होंने जबरदस्ती दबंगई में आकर गिरा दी है। हमारा विवाद चल रहा था, बगल में हमारी चाची जी का खेत है, जहाँ वो आई थी फालतू में गाली गलौज कर रही थी जबरदस्ती, हमारी मम्मी जी के साथ मारपीट करने की कोशिश की, मारी भी। तब मैं बीच में आई उनको छुड़ाने के लिए, तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। और ये जो मणि दिलराज तिवारी हैं, ये बल्कि और पकड़ पकड़ के मरवा रहे थे, मेरी मम्मी जी को उठाकर फेंक भी दिए हैं रोड में। फिर जबरदस्ती इन्होंने हमारी मड़ैया गिराई, फिर दूसरे दिन इन्होंने हमारे मैंने कच्ची नाली खो दी थी अपने घर का पानी बाहर निकालने के लिए, इन्होंने उस नाली को भी जो है तो सीमेंट से मतलब गिट्टी सीमेंट से बंद करवा दिया है जबरदस्ती। और हमको धमकी भी देते हैं कि हम तुमको घर से उठवा लेंगे, मरवाएंगे। मणिराज तिवारी और उनके सहयोगी दिलराज तिवारी बोलते हैं कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, मारेंगे। हम लोगों का आना जाना तक मुश्किल पड़ गया है। आपने किस थाने में शिकायत की? जी, हम थाना चौराहा गए थे, जहाँ पे हमारे लेडीज के विवाद का करवा दिया गया है रिपोर्ट, और बाकी इन लोगों के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहा था। तो आप आगे एसपी कार्यालय आए हैं? जी, हम एसपी कार्यालय आए हैं, इन लोगों के नाम से रिपोर्ट की है हमने। हम लोगों ने आवेदन दिया इन लोगों के नाम का कि ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में पानी भी घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से ढोला का निर्माण नहीं किया गया है, रोड इन्होंने जबरदस्ती बनवा ली है, जिसमें ठेकेदार मिला हुआ है। घर गिराते वक्त इन लोगों के द्वारा गाली गलौज भी जी जी की गई है जी, गाली गलौज की गई है, और फिर आक्रोश में आकर मेरी माँ ने भी थोड़ी बहुत भद्दा बोल दिया, बस हो गया। क्या नाम है? मेरा नाम सोनम तिवारी। क्या नाम है? मेरा नाम सुधा तिवारी। कहाँ से? सुनौरी, पोस्ट रुपौली, थाना चौराहा। अभी आपके साथ कुछ घटनाएं हुई है, रोड निर्माण हो रहा था तो आपका घर और गिरा दिया गया है, तो क्या पूरी घटनाक्रम है बताइए। मेरे रोड गिरा दी गई, रोड बना दी गई मेरे दीवार के जड़ से, मेरी दीवार थी तो मैं बोल रही थी कि उधर से रोड बनाओ, वहाँ साइड भी थी रोड के लिए, तो उन्होंने बोला आहा तुम्हारा घर गिरा के ही रिपोर्ट बने रोड बनेगी, तो जबरदस्ती दमंगाई के साथ उन्होंने मेरा घर गिरा दिया, इसमें कबेलू छाया हुआ था। कौन लोग घर गिरा? हाँ, मणिराज तिवारी, मणिराज तिवारी जेसीबी से घर गिरवा दिए मेरा। क्यों गिरवा दिए? क्यों गिरवा दिए? अब यही तो हम भी कहते हैं कि क्यों गिरवा दिए हमारा घर, ना तो कोई आदेश था, ना कोई हमको नोटिस मिली थी, कोई आदेश नहीं मिला था, अब क्यों गिरवा दिए? अब ये वही जाने कि क्यों गिरवा दिए, क्या हुआ उनको, क्या तकलीफ थी हमारे घर से। आपसे किसी का विवाद हुआ था जिसमें वो आपको वीडियो में गाली देते हुए नजर आ रहे थे? हमारा विवाद वो महिला से हो रहा था, जिसका उस पार रोड के उस पार घर है, वो हमसे लड़ने आ रही थी, वो महिला हमसे लड़ने आ रही थी, रोड के उस पार खेत था उसका और घर हमारा इस पार है, तो इसके लिए वो हमसे लड़ती है, हमको गाली गलौज करती है। महिला का क्या नाम है? महिला का गीता तिवारी।
और वो भी जो वहाँ पे काम करवा रहे थे, गिरवा रहे थे घर, वो भी गाली गलौज आपको? हाँ, वो गाली दे रहे थे, उसी के तरफ से वो गाली दे रहे थे, वो ही लेके आती है गुंडा, वो गुंडा लेके एसपी कार्यालय आए हैं। हाँ, हम एसपी कार्यालय आए हैं कि कहीं भी हमारी मतलब सुनी जाए। चौराहटा थाने गई थी आप? चौराहटा थाना गए थे, जहाँ उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट हमारी नहीं दर्ज की गई। हाँ, नेता होता तो हमारे समझ में तो कुछ नहीं है, हम जानते भी नहीं है कि नेता है कि क्या है। हैं, क्या नाम है आपका? गांव के हैं, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधा तिवारी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।